दोस्तों ये है 2024 मॉडल स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाली टी वी एस आई क्यूब इलेक्ट्रिक, और ये है बेस वेरिएंट जो कि वाइट कलर है, और ये पर्पल वाइट कलर दोस्तों सबसे सुपर कलर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जिस कलर में आप स्कूटर देखेंगे उसी कलर में आपको मिरर भी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर विंड ग्लास आपको मिल जाएगा, DRL आप देख सकते हैं LED वाली मिलेगा, स्मार्ट एक्स कनेक्ट। अब ये स्कूटर ओला से, बजाज चेतक से, एम्पियर से, एथर से बेहतर है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा स्कूटर आपको लेना चाहिए, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले, आपका पैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर में वेस्ट ना जाए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ यानी कि एल्युमिनियम वाला आपको ये दोनों लेवर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, बार एंड आपको यहाँ पर मिलेगा स्टील वाला, इस तरह से आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग पे। अब ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट यानी कॉल मिस कॉल ब्लूटूथ ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये DRL लाइट आपको मिल जाएगा, TVS का 3D वाला लोगो, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बैजिंग रहेगा। फुली LED वाली आपको यहाँ पर मिलती है हेडलाइट, और इंडिकेटर आपको मिल जाता है, इंडिकेटर आपको LED वाले मिलेंगे, देखिए आप साइड से इस तरह से दिखेगा और फ्रंट से इस तरह से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेहतर है हैजर्ड बटन, इसको ऑन करते ही चारों इंडिकेटर इस तरह से जलने लगेंगे, ये हो गया आगे और ये हो गया पीछे। क्यू पार्क असिस्ट है यानी कि ये स्कूटर आगे भी और पीछे दोनों तरफ चलेगा। LED वाले इंडिकेटर, TVS का 3D वाला स्टिकर। अब ये साइड से यहाँ पर चाबी लगा के आप इसको खोल सकते हैं। आई क्यूब इलेक्ट्रिक का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये S नहीं है ना ST है, ये है आई क्यूब इलेक्ट्रिक, ठीक। और यहाँ पर आपको ग्रिल इस तरह से मिलेगी, यहाँ पर होल्डर आपको मिलेगा, यहाँ पर भी होल्डर मिलेगा, यहाँ से ये स्कूटर चार्ज होगा, और यह है इसका चाभी, वो भी चाभी आप अगर देखेंगे तो ये जैसा रिमोट जैसा है लेकिन रिमोट वाला नहीं है, इसको जैसे हम यहाँ प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये कोई हरकत फ़िलहाल तो अभी नहीं कर रहा है, और यहाँ से करना चाहिए, इसके इंडिकेटर ये बिलिंग करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है इसका चाभी, ठीक है, इस तरह से, बट रिमोट कंट्रोल होता ज़्यादा अच्छा रहता, इतनी बड़ी चाभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया इसका की, ठीक है। अब ये हो गया फ्रंट प्रोफाइल, अब ये आपका मडगार्ड रहेगा फाइबर का इस तरह से, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आयल डम्पेड वाला, और डिस्क ब्रेक 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर, और जो इसकी मैकहील है वो है डायमंड कट में, आगे और पीछे दोनों आपको मिल जाएंगे, साइड से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है, डायमंड कट मैकहील आपको मिल जाएगी इस तरह से, पीछे आपको फिलहाल दिख नहीं रहा सही से। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एडजस्टेबल है लेकिन हाथ से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन एडजस्टेबल है। उसके बाद देखिए चाबी लगाते हैं हम, ये दिखाते हैं हम आपको, सबसे पहले इसके अंदर आप देख लीजिए, तो ये बूट स्पेस ये देखिए 32 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है इसके अंदर, ये रहा इसका चार्जर और बूट स्पेस, और USB चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, तो इसके अंदर इतनी सारी जगह आपको 32 लीटर मिल जाएगा। तो ये हो गया और IQ, अब यहाँ पर हम चाबी लगाते हैं फिर आपको हम और चीज़ दिखाते हैं। जैसे ही चाबी यहाँ पर ऑन करेंगे तो ये देखिए TVS इलेक्ट्रिक यहाँ पर ये लाइट जलता हुआ दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत। 4.5 की बैटरी आपको मिल जाती है, और उसके बाद इसका जो रेंज आपको मिलता है, साइड स्टैंड लगा रहेगा तो स्कूटर नहीं चलेगा। सबसे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसको प्रेस करने को कह रहा है और इसको, तो यहाँ पर हम इसको प्रेस कर दिए तो ये देखिए स्कूटर हो गया चालू। फ़ोन नॉट कनेक्टेड यानी कि ये फ़ोन नहीं कनेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए 83% चार्ज है, यहाँ पर स्पीड दिखाएगा ट्रिप, एवरेज स्पीड दिखाएगा, ऑडियो यहाँ पर आपका दिखाएगा, डिस्टेंस टू MPT 88 किलोमीटर तक ये जाएगा, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है इकोनॉमी, और 75 किलोमीटर है इसका आपको पावर मोड में मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ से आप इसका पूरा TFT वाली LCD देख सकते हैं, इस तरह से रहने वाला है, और इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप इस बटन से प्रेस करेंगे तो ये आपको वॉइस कमांड दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर घड़ी और डेट टाइम सब कुछ आपका शो करेगा, ब्लूटूथ यहाँ कनेक्ट रहेगा, तो मोबाइल की बैटरी, नेटवर्क, कॉल, मिस कॉल, मैसेज सब कुछ यहाँ पर आपका ये शो करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपका मिल जाएगा इस तरह से पूरा देख सकते हैं आप। यहाँ पर हाई लिविंग पर्सनल पासिंग, और यहाँ पर आपका मोड मिलता है, देखिए आप ये पावर मोड, इको मोड, यहाँ से आप देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पावर और इको मोड हो गया, ठीक है। तो 100 किलोमीटर जाएगा इस मोड में इकोनॉमी, और यहाँ पर पावर में करेंगे तो ये आपका 75 किलोमीटर जाएगा। टॉप स्पीड है 78 किलोमीटर की, इसकी 75 से 78 किलोमीटर जाएगा स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग टाइम है 4.5 घंटे से 5 घंटे तक ये फुल चार्ज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर।
तो ये जो वाइट कलर का आई क्यूब है, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पर ग्रेब्रिल काफ़ी बढ़िया डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलता है, सीट भी आपको मिल जाती है काफ़ी लंबी चौड़ी। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपको किसी भी कंपटीशन में कोई भी स्कूटर इसकी बराबरी में नहीं आ सकता, चाहे आप बजाज चेतक हो गया, चाहे ओला हो गया, चाहे एथर हो गया, क्योंकि इसका जो मॉडल और डिज़ाइन है ये सबसे बेहतर आपको मिल जाता है दोस्तों, सबसे बेहतरीन आपको ये स्कूटर मिल जाता है। तो ऑन रोड कीमत है इसका 159,500 रुपये, यानी 160,000 में सिर्फ 500 रुपये कम है। तो वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।